क्वेश्चन है कि इग्नू का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का रोल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इंटेग्रेट करने में एजुकेशन में, जहां इंप्लीमेंट करने में, यूज करने में, एक्सपैंड करने में, क्वालिटी एनहांस में, असेसिबिलिटी में, है ना, क्या है ये जनरल रोल अगर इग्नू का पूछा जाता है तो डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है तो वो टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इसकी फुल फॉर्म बता देंगे और ये अगर एमसीक्यू की भी तैयारी साथ में करनी है ये पूछा जा सकता है, द पीपल्स यूनिवर्सिटी कौन सी है, इग्नू है ना। इसके बाद ये कुछ बातें इसकी है इंट्रोडक्शन में बताई जा सकती हैं, जैसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड है और नियरली 7.14 मिलियन स्टूडेंट अभी हैं, है ना। 1985 में इसको इसका जो रखा गया है था एस्टेब्लिश की गई थी और ये ऑफर करती है, ये बहुत अच्छा रियली एप्रिशिएटेबल है, जो एप्रिशिएटेबल नहीं होगा वो भी बताऊंगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड असेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मीन एमए साइकोलॉजी करनी है आप 2 साल की है 4 साल मिलेंगे, एक पेपर नहीं है दे सकते हो, 4 पेपर भरे थे लेकिन मेरा टाइम नहीं लगा मैं 2 दे रही हूँ 2 नेक्स्ट टाइम दे देना, तो दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी है ना। तो ये इंट्रोडक्शन में बातें हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे और लर्नर अपनी पेस पर, अपनी स्पीड पर, अपनी चॉइस, अपनी लोकेशन पर हर जगह ये पहुंच रही है, दैट इज़ वाई लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। जो लोग छोड़ चुके हैं लाइफ लॉन्ग एजुकेशन में जाना चाहते हैं, 10 साल का 20 साल का गैप है वो भी इससे कर रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी एक्सटेंसिव नेटवर्क है इसके, इसके स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसकी बात अभी डिटेल में करेंगे। ये होगी इसकी इंट्रोडक्शन। दूसरा इंटरनेशनल नेटवर्किंग भी है इसकी, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन और वेस्ट एशियन कंट्रीज के लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो एमओयू ये साइन करती है, इग्नू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उस देश के जो अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं वहाँ पर स्टडी सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर बनते हैं। तो 43 ऐसे देश हैं जहां पर इग्नू फैली हुई है। इनोवेटिव यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अभी करते हैं, इसने टाइम एंड प्लेस के बैरियर को तोड़ दिया है क्योंकि इतने लोगों तक पहुंच चुकी है। इसका सेंट्रल आइडिया, जो सेंट्रल आइडिया है, सीमलेस असेस, जो विजन जब करेंगे ना, ये विजन ही है, विजन ही है, विजन मीन के बड़ा सा गोल क्या है इसका, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं। विजन, विजन का एस, सीमलेस असेस, अनंत लोगों तक पहुंचना है बाई यूजिंग इनोवेटिंग टेक्नोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी, जो ऑनलाइन लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग मोड जो टेक्नोलॉजी यूज करके है, वीडियोज हैं, है ना। तो इसका मिशन क्या है वो यहां पर बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं पढ़ दूंगा कि इसके मिशन के जो एम, उसको वो बड़ा गोल है, उस बड़े गोल को छोटे छोटे टुकड़ों 8-10 में डिवाइड मैंने किया है, वो देख सकते हैं। तो स्ट्रेंथन नेशनल रिसोर्स सेंटर के, इग्नो जो है एक अच्छा रिसोर्स सेंटर बने जहां से बाकी लोगों की एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो। शेयर प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज, तो ये करती भी है बाकी इंस्टीट्यूट से। असेस एंड एक्रेड इंस्टीट्यूशन, कि किस इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी कितनी है उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं कि इतनी बेटर है इतनी कम है। डेवलप ग्लोबल नेटवर्किंग, 43 अभी बात करके आए हैं देशों के साथ एमओयू साइन हुए हैं। प्रोवाइड एन इंटेलिजेंट फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम, ये बात अभी करके आए हैं पीछे फ्लेक्सिबिलिटी की। तो ये सिर्फ पॉइंट यही याद कर लीजिए, ये पर इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। फोस्टर कन्वर्जेंस एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन, दूसरी इंस्टीट्यूट का यूनिवर्सिटी की हेल्प लेते हैं, हेल्प करते हैं। रीच एंड टू द अनरीच्ड एंड प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसे सोशली डिसएडवांटेजेस रिमोट रूरल एरिया में पहुंचना। प्रोवाइड नीड बेस्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो स्टाफ को, टीचर्स को। प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉमन पॉइंट है। तो इसकी अचीवमेंट क्या है, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग 99 में दिया गया, अवार्ड भी इसको कॉमनवेल्थ की तरफ से मिला डिस्टेंस एजुकेशन मटेरियल में। और 12th रैंक इसका जो वेब मैट्रिक्स रैंकिंग इंडियन यूनिवर्सिटी में जनवरी 2010 में आया,
तो ये इसकी उपलब्धियां हैं। इसकी डिवीजन्स हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसकी डिवीजन्स हैं। यहाँ पर मैं डिवीजन के काम के पॉइंट बनाऊंगा और सिर्फ उसके नाम पढ़ देता हूँ, एकेडमिक कोऑर्डिनेशन डिवीजन, ठीक, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस डिवीजन, लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन डिवीजन, रीजनल सर्विसेज डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, फाइनेंस एंड अकाउंट डिवीजन। अब इसका कोई रोल नहीं होगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन इसका होगा, है ना। स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन इसका होगा, ऑनलाइन टेस्टिंग लेनी है। कंप्यूटर डिवीजन बिल्कुल होगा आईटी का। इंटरनेशनल डिवीजन, तो दूसरे के साथ एमओयू कैसे साइन करने हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन। तो ये काम कैसे करती है उसके डिपार्टमेंट्स हैं ये, तो डिपार्टमेंट्स यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये करने हैं ये पॉइंट डिस्कस कर सकते हो, लेकिन मैं जो एक्चुअल आंसर आपको देने जा रहा हूँ वो ये है, रोल ऑफ इग्नो इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया, जहाँ इंटेग्रेशन, जहाँ इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ यूजेज, ये शब्द यूज किए जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि डिस्टेंस एजुकेशन, तो ये डिस्टेंस एजुकेशन के लिए है। जो लोग फेस टू फेस क्लासेस, स्कूल, कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह तक नहीं पहुंच सके, वो इग्नो उन तक पहुंच रही है नेचुरली के इस कंट्री में और दूसरी कंट्री में, 43 कंट्रीज में पीछे बात करके आए हैं, लर्नर इससे लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये डिस्टेंस हो गया। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग मटेरियल, तो आपने मेन पॉइंट ही याद, अगर डेवलपमेंट जहाँ लर्निंग मटेरियल लिख लिया ना, तो उसके साथ टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, ये खुद ही जोड़ लेने हैं, सिर्फ हम याद करेंगे लर्निंग मटेरियल। तो लर्निंग मटेरियल कौन सा, प्रिंटेड, मल्टीमीडिया, ऑनलाइन रिसोर्सेज, ये सारे जो है डेवलप करती है, प्रोड्यूस करती है इग्नो। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट नहीं लिखना, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई ज्ञान कोश जरूर लीजिए। अच्छा, जो कई तो ऐसे काम हैं हम पीछे भी उसमें करके आए हैं, तो वो हमें यहाँ हाई क्वालिटी लिखना पड़ता है, लेकिन ई ज्ञान कोश का रियली है, आप इंटरनेट पर कोई कंसेप्ट सर्च करो तो ये ऐसा भंडार है, रिपोजिट्री ये लिखा है, इसका मतलब भंडार, तो रिपोजिट्री ऐसी है कि आप कोई भी सर्च करो, ऐसी लाइब्रेरी है कि आपको उसके कंसेप्ट की डिटेल मिल जाएगी, ई ज्ञानकोश ऊपर नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये एक स्टोर है, इंडेक्स्ड है, जो प्रिजर्व करता है और डिस्ट्रीब्यूट हमारे तक करता है, शेयर करता है लर्निंग रिसोर्सेज, ई बुक्स है, वीडियो ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है, इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स हैं। तो ये बहुत गुड पॉइंट है ई ज्ञानकोश, है ना, आप इंटरनेट पर सर्च करके देख लो, आपको बड़े अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक इनकी 2000 से ज्यादा वीडियो लेक्चर पढ़े हुए हैं ई ज्ञान कोश पर, 2200 से ज्यादा कोर्स लिखे हैं यहाँ पर। YouTube चैनल के बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है कि इनका अपना YouTube चैनल है जिस पर वीडियो प्रोग्राम है और लिंक्स अवेलेबल है, जैसे ये YouTube चैनल है ऐसे ही उनका है, और वीडियो ऐसे ही इनसे मेरे से बढ़िया होंगे वैसे। डी स्पेस एंड मेटा डाटा इंटीग्रेशन का ये पॉइंट है, पीछे ई ज्ञान कोश की बात करके आए हैं, ई ज्ञान कोश जो बना है वो डी स्पेस और मेटा डाटा के बेस पर बना है। ई ज्ञान कोश इज बिल्ड ऑन ओपन सोर्स एप्लीकेशन डी स्पेस एंड कस्टमाइज टू सूट, ओके। तो ये हेल्प करता है, की है इसने ई ज्ञान कोश के लिए, और काम वही करने हैं कि ये ओपन सोर्स रिपोजिटरी है, एक ऐसा भंडार जिसमें जो लर्निंग मटेरियल, डिजिटल मटेरियल, टेक्स्ट पड़ी है, वीडियो ऑडियो डाटा वो पड़ा है, आप असेस कर सकते हो। तो ई ज्ञान कोश की ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ये हेल्प करती है। अगर आप इन दो पॉइंट को मर्ज करना चाहते हो, मर्ज भी कर सकते हैं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, यूजीसी नेट में बड़ा क्वेश्चन आता है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मीन के फ्री असेसिबल एंड ओपनली लाइसेंस्ड, कोई उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है, एजुकेशनल मटेरियल अवेलेबल है। ई ज्ञान कोश प्लेटफॉर्म है, ओपन एजुकेशनल ये रिसोर्सेज हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप इनका एक पॉइंट भी बना सकते हो, ई ज्ञान कोश में डी स्पेस एज ए टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर सकते हो और ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की एडिशनल बात कर सकते हो। फ्लेक्सी लर्न, फ्लेक्सी लर्न
पोर्टल है, ओपन कोर्स पोर्टल, मतलब जैसे MOOC है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, स्वयं, है ना, वो MOOC के बेस पर है। आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना है, वो एक पोर्टल है, वहाँ से आप, आपको लर्निंग मटेरियल मिलेगा, उसकी इवैल्यूएशन होगी, आपका टेस्ट होगा, आप उसको पास कर लेते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट लेने के लिए हाँ थोड़े से पैसे पे करने पड़ते हैं, उसके लिए एक सॉफ्ट, इन्होंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रखी है, आगे चल के वो पॉइंट आएगा। तो इस फ्लेक्सी लर्न पर ई ज्ञान कोश और ये फ्लेक्सी लर्न, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर 800 फ्री ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। ज्ञानकोश एक तरह की लाइब्रेरी है, है ना। और डिफरेंस समझ लीजिए कि फ्लेक्सी लर्न प्लेटफॉर्म या पोर्टल क्या काम करता है। ये किसी बच्चे ने एडमिशन लेनी है, उसके एडमिशन से पहले सैंपल कोर्स देता है कि बेटा देख लो, आपने MA इकोनॉमिक्स करनी है, MA इकोनॉमिक्स में ये ऐसा ऐसा कोर्स, ऐसी उसकी डिजाइनिंग, और ये ऐसे ऐसे इवेल्युएशन होगी। तो एनरोलमेंट करवाने से पहले बच्चा जज कर लेता है कि मैं MA इकोनॉमिक्स कर पाऊंगा, मैं MA हिस्ट्री, MA साइकोलॉजी, उसकी प्री जजमेंट हो जाती है। तो सैंपल कोर्सेज प्रोवाइड करती है, री एडमिशन के लिए ये पोर्टल हेल्प करता है। तो ये इंटीग्रेशन है, मेन रोल है। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, जो पीछे बात करके आए हैं कि अगर आप डिग्री लेना चाहें स्वयं में, MOOC में, यही है, MOOC पर आपको फ्री आप जो कोर्स कर सकते हो, लेकिन अगर कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है तो माइनर, बड़ी थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ती है। तो इग्नोम पर, वो जो पीछे अभी करके आए हैं फ्लेक्सी लर्न, उस पर आपने कोई कोर्स करना है तो आपने पेमेंट कैसे करनी है, उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जहां पर आप पेमेंट करके अपना सर्टिफिकेट और डिग्री जो है अर्न कर सकते हो। ये डिफरेंट पॉइंट है। वेबकास्टिंग, इतना ही बहुत है। अगर इजी रखना है तो एजुकेशनल चैनल भी लिख सकते हैं। अब कौन सा है, ज्ञान दर्शन टू ज्ञान वाणी, तो इन चैनल के नाम आपने बताने हैं कि ये इग्नो चलाता है। इन हाउस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये पिछले से मैच नहीं करता। इन हाउस मीन, एक तो ओपन है, ओपन मीन कोई भी आ सकता है और कोर्स कर सकता है, कोई भी ई ज्ञान कोश का मटेरियल सर्च कर सकता है, ओपन लर्निंग जो रिसोर्स हैं उनका मटेरियल सर्च कर सकता है, वीडियो देख सकता है। जो इन हाउस है, तो जो बच्चे एनरोल होते हैं, रजिस्टर होते हैं, यहाँ लिखा है रजिस्टर्ड स्टूडेंट, ये इन हाउस लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो रजिस्टर्ड हुए हैं उनको पासवर्ड दिया जाता है, उनके लिए है ये लर्निंग के लिए। वही होना है, लर्निंग मटेरियल देखना है, पढ़ना है, एग्जाम देने हैं। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट, ये वर्ड याद होता है, ठीक है, मैंने तो पैन अफ्रीकन या अफ्रीकन नेटवर्क इतना याद रख लिया। तो इसमें टेली एजुकेशन टू 23 अफ्रीकन कंट्रीज, उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है थ्रू दिस प्रोजेक्ट। नेचुरली के यूज क्या हो रहा है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की हेल्प ली जा रही है, साथ में ई ज्ञान कोश, फैक्सिज्म, सभी को मर्ज करके इन कंट्री के साथ एजुकेशन का जो MOU साइन होता है, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। सार्क एंड एशियन इनिशिएटिव, बात वही है, ई ज्ञान कोश और फ्लेक्सी लर्न मिलके सार्क और एशियन कंट्री के लिए भी एजुकेशन के इनिशिएटिव ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी एनहांस्ड असेसमेंट, तो ये ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स एंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन, क्विज, असाइनमेंट जो है ऑनलाइन सब कुछ हो सके, जैसे कोविड में हुआ था। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, जब भी कैपेसिटी बिल्डिंग शब्द आता है, ट्रेनिंग वर्ड आता है, तो आपने टीचर ट्रेनिंग बस याद कर लेना है। जब ट्रेनिंग वर्ड आता है तो हमेशा स्किल ही याद करनी है, जब स्किल ही याद आती है तो वर्कशॉप याद कर ली, ये सभी रिलेटेड टर्म्स हैं। और वर्कशॉप आती है मोटर स्किल्स या मोटर एक्टिविटी डूइंग के साथ, है ना,
पहले नॉलेज दी जाएगी। फॉर एग्जांपल आप टीचर्स को लेसन प्लानिंग इम्प्रूव करने के लिए, लेसन प्लानिंग नई बनाने के लिए कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान, कैम बेस्ड, मॉडल बेस्ड लेसन प्लान बनाने सिखाना चाहते हो, पहले उसकी नॉलेज दोगे, उसके बाद कैसे लेसन प्लान है, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप बनाना है, वहाँ पर बनाओगे, तो ये ट्रेनिंग होगी। रिसर्च एंड इनोवेशन, सभी जो एजुकेशनल की टेक्नोलॉजी की रिसर्च को जोड़ लीजिए इफेक्टिवनेस के साथ, हर पॉइंट में ऐसे ही जोड़ा है, और जोड़ना है तो इसको एक्सपेरिमेंट, इफेक्टिवनेस देखनी है, एक्सपेरिमेंट करने हैं, नए मेथड्स हैं, नई टेक्नोलॉजी है, कौन सी बेटर है, उस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो इफेक्टिव है उसको यूज़ किया जाता है, बेस्ट प्रैक्टिस और नई नॉलेज को के साथ शेयर किया जाता है। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल लेवल की इंस्टीट्यूशन के साथ इसकी कोलैबोरेशन है, MOU साइन होते हैं, है ना, गवर्नमेंट बॉडी के साथ, इंडस्ट्री के साथ जिसने प्लेसमेंट करवानी है, इंटर्नशिप लगानी है, स्टेक होल्डर के साथ, उनके साथ रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं, एक्सपर्टाइज शेयर की जाती है, मीन इग्नो अपने एक्सपर्ट उनके जो यूनिवर्सिटी में भेजती है उनकी इंस्टीट्यूट में, और उनके जो हैं वो इग्नो में आते हैं, से एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, दिस इज कोलैबोरेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का इग्नो के साथ MOU साइन हो रहा है। MOU साइन कैसे होता है कि ये शर्तें रखी जाती हैं कि हम ये रोल अदा करोगे, आप ये रोल अदा करोगे और एक दूसरे की हेल्प करोगे, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसको फॉर्मल कर लिया जाता है और ये डॉक्यूमेंट रिटर्न साइन किया जाता है। प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हर एजेंसी का एक करेक्टरिस्टिक है, प्रोडक्शन का मतलब क्रिएट करना, क्या ऑनलाइन कोर्स, मल्टीमीडिया मॉड्यूल, ई बुक्स, वीडियोज, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग में क्या क्या यूज़ करना है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वर्चुअल क्लासरूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनको टीचिंग लर्निंग में यूज़ किया जाता है कि मैक्सिमम ऑनलाइन इंटरेक्शन हो सके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इंटरेक्शन। इस तरह से इग्नो सीमलेस असेस के विजन को अचीव करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इंटेग्रेट कर रही है एजुकेशन में, और रियली रिजल्ट आपके सामने है, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड। वीक पॉइंट भी हैं इस करप्शन में, जैसे असाइनमेंट बनानी होती हैं तो बाजार में वो काम होने शुरू हो जाते हैं, आप वहाँ असाइनमेंट बिकती हैं और असाइनमेंट ऐसे एवेल्यूएट होती हैं, तो ये जो वर्ड अच्छे अच्छे यूज़ किए गए हैं, एक्चुअल में सभी वर्ड ऐसे नहीं होते, बट इन रियलिटी ये एनरोलमेंट में नंबर वन यूनिवर्सिटी है। तो याद कैसे करना है, मैंने चार भागों में बांटा है इनको याद करने के लिए। मेन वर्ड जो याद रखना है, डिजिटल यूट्यूब फॉर DCP सर, DCP सर की जगह पर SARC लिख देना है, ये याद रखना है। इससे हम सारे पॉइंट कैसे याद रखेंगे, इसको चार भागों में बांटा गया है, ये जो फर्स्ट है इजी है, याद रखना चाहिए, ये टेक्निकल सेकंड और थर्ड पार्ट है, और ये फोर्थ पार्ट जो कॉमन है CIET SCIET यहाँ S आएगा, और या EMMRC इनके साथ इनके पॉइंट जो मैच करते हैं कर सकते हो। उसके लिए क्या वर्ड याद रखना है, रीसेंट प्रोडक्शन, R से रिसर्च है, रिपीट नहीं करूंगा, पिछले वीडियो में हुआ है, C से कोलैबोरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, और T से ट्रेनिंग है, प्रोडक्शन से प्रोडक्शन ही है या डेवलपमेंट है। यूनिक पॉइंट है वो याद रखेंगे, डिजिटल यूट्यूब फॉर DCP SARC, इतनी वर्ड याद रखेंगे। डिजिटल से डिस्टेंस एजुकेशन, यहाँ मैं डिस्टेंस पूरा लिख लूंगा, I से इन हाउस लर्निंग प्लेटफॉर्म, G से ज्ञानकोश, ये याद रखूंगा, मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, सिर्फ रेड वाला वर्ड याद करना है आपने, बाकी यहाँ वहाँ पर खुद खुद बन जाएगा, क्योंकि उसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से ही जोड़ना है ना, इसीलिए D से डिस्टेंस, I से इन हाउस, G से ज्ञानकोश, T से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, A से असेसमेंट, YouTube से यूट्यूब, फॉर से F से फ्लेक्सी लर्न, O से ऑनलाइन या ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ऑनलाइन पेमेंट गेट, ये O से हो गया, O के साथ आप यहाँ टूल डाल सकते हो कि O से दो जो है वर्ड याद करने हैं। आगे आ गया DCP SARC, ये रहा DCP SARC,
डीसीपी सार्क का क्या है, डी स्पेस, सिर्फ डी स्पेस याद रखिए, मेटा डाटा बेशक मत याद रखिए। अगर ये डिफिकल्ट लग रहे हैं आपको ये पॉइंट, ये आप बेशक मत याद कीजिए, एक बार लिख लीजिए कॉपी पर। अगर इसमें से दो चार भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, काफी पॉइंट हो गए हैं ना। डीसीपी डी से डी स्पेस हो गया, और सी से चैनल हो गया, आसान वाला मैंने जोड़ा है, और पी से पैन अफ्रीकन हो गया, अगर नहीं है तो ए से कर सकते हैं, पैन अफ्रीकन सार्क का सार्क ही रहेगा। तो मैंने क्या याद रखा था, टिल यूट्यूब फॉर डीसीपी सार्क, और कॉमन पॉइंट क्या थे, रीसेंट प्रोडक्शन। ओके, कई में ब्रॉडकास्ट भी आ सकता है, तो इसको एक बार कॉपी पर लिखेंगे याद हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, बाकियों के लिंक भी नीचे दिए गए हैं, और कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है आप काइंडली सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।